बंधे एक डोरी से। सुमित्रम और विवेक जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कैसी प्रॉब्लम है भाभी? तुम किसी को तो बताओगी नहीं ना सुमित्रा, हम दोनों ने वो असली दवाइयां चुरा कर उसकी जगह नकली दवाई एक्सचेंजिंग कर दी थी। जिसने हमें ये सब करने के लिए कहा था उसने बताया था नकली दवाइयों में सिर्फ आटे का पाउडर है, जानलेवा कुछ नहीं। हम दोनों तो बस अपने न्यू हाउस के लिए पैसे जोड़ रहे थे। हम दोनों को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सुमित्रा, हमारा दिल तो बहुत क्राइंग कर रहा है ये सोच सोच कर कि हम दोनों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। माया भाभी, आपने अपना राज बताकर अपनी नब्स मेरे हाथ में दे दी है। संभालिए अपने आप को माया भाभी। देखिए मेरी तरफ, हम किसी भी तरह से विवेक भैया को जेल से छुड़ा लेंगे। सच बोल रहे हो सुमित्रा? तो मुझ पे भरोसा कीजिए। थैंक यू सुमित्रा। अंकल, हमें पूरा यकीन है कि विवेक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज अंकल, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है शिवा, मैं फौरन जमानत के कागजात रेडी करवा के पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। तुम मुझे वहीं मिलो, ओके? थैंक यू सो मच अंकल। यू वेलकम। माँ जी, परिमल अंकल हमारी मदद करने को तैयार हो गए। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे विवेक जी की जमानत के लिए। आप देखना माँ जी, हम आज विवेक जी को घर जरूर लेकर आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विवेक जी, अगर हमारे बेटे को छुड़ा पाए तो मैं था जिंदगी भर कोई। माँ जी आप रोइए मत, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम हैं ना माँ जी, हम कह रहे हैं ना विवेक जी को कुछ नहीं होगा। अब आप अपना ख्याल रखिए, हम बस अभी विवेक जी को लेकर आते हैं। रोना बंद कीजिए। शिवानी विवेक जी को रिहा कराने में कामयाब हो गई तो इस घर के लिए तो ये भगवान बन जाएगी, और ऐसा मैं भगवान कसम होने नहीं दे सकती। मेरी और शिवानी की लड़ाई में अब कुर्बानी विवेक जी की ही चढ़ेगी। कहाँ ढूंढूं उस बच्ची के माँ बाप को? अब सुनो भैया, आज सुबह जिस बच्ची के साथ हादसा हुआ था वो नकली दवाइयों वाला, उसके माँ बाप कहाँ है? वो वहाँ पे बैठी बेचारी। जी नमस्ते। मैं समाज सेविका हूँ। आपकी बेटी के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ। दवाइयों की हेरा फेरी जिसने भी की उसे सजा तो भगवान देगा, पर मेरी बच्ची तो चली गई दा। भाई साहब, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। अगर आप ऐसा कहेंगे तो उस आदमी को सजा कौन दिलाएगा? आपकी बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ पाके क्या होगा बहन जी, मेरी बेटी वापस तो नहीं आ सकती ना। नहीं भाई साहब, अगर आप उस दोषी को सजा नहीं दिलाएंगे
न जाने कितने बेटियों को भुगतना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, कम से कम अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपका दर्द समझती हूँ। आज जब मुझे पता चला तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और वहां पता चला कि जिस आदमी ने दवाइयों की हेराफेरी की है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ भाई साहब, इससे पहले कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये पैसे खिलाकर वहां से रिहा हो जाए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, जिसने आपकी बेटी छीनी है वो आदमी वहां से रिहा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख पाएंगे। उस आदमी को माफ नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। चलो, धन्यवाद बहन जी। देखती हूँ शिवानी तो कैसे विवेक जी की जमानत कराती है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे विवेक के जमानत के पेपर्स, अब आप उसे रिहा कर दीजिए। बड़े शर्म की बात है कि जिस आदमी की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई उसी के जमानत के पेपर्स लेकर आ गए आप लोग। एक बात आप दोनों गौर से सुन लीजिए, मेरे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है और जब तक वो सबूत मैं कोर्ट में पेश नहीं कर देता इसे छोड़ूंगा नहीं। कैसे सबूत इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, हमने सुना है कि आपने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने हमारी बच्ची की जान ली है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे छोड़िएगा मत, उसे सजा दिलाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरी मेरी बच्ची की जान ली है। इंस्पेक्टर साहब, देखा आप लोगों ने, इस आदमी ने इन गरीबों का सब कुछ छीन लिया, अब भी इसकी तरफदारी करना चाहते हैं आप? आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, आपका गुनहगार आपके सामने हवालात में बंद है और जब तक हम उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला देते उसे छोड़ेंगे नहीं। संभालिए अपने आप को माँ जी, रोना बंद कीजिए माँ जी। देखिए, हम जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं लेकिन आपको और इंस्पेक्टर को कुछ गलत फहमी हुई है, हम जानते हैं इन्हें, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं माँ जी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बिना सुनवाई के किसी को मुजरिम करार देना गलत है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इतने सालों से विवेक हॉस्पिटल में नामदर से काम करता आया है, जब तक विवेक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते आप प्लीज उसे जमानत पर छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं सबूत सिर्फ कोर्ट में ही पेश करता लेकिन आपकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए कि ये आदमी हॉस्पिटल में बहुत ईमानदारी से काम करता था, मैं आपको सबूत दिखाना चाहूंगा। देखिए,
हो गया यकीन कि ये आदमी कितना बेगुनाह है? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी रिहा भी हो गया ना तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं जान ले लूंगा इसकी और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगा मैं। ये सब क्या है विवेक जी, ये क्या किया है आपने? हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है आपके अंदर, तो हमें सच बताइए, बोलिए विवेक जी, हम आपके मुंह से सच सुनना चाहते हैं। क्या है सच हमें बताइए। हाँ बेबी जी, हो गई गलती मुझसे। हॉस्पिटल में वो दवाइयां मैंने ही बदली थी, मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे नया घर खरीदने के लिए। इसीलिए मैंने वहां पे दवाइयां बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं विजय, मैं सच कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी इस गलती की वजह से किसी की जान चली जाएगी। विजय, अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। चंद पैसों के लिए, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं आप विवेक जी? शर्म नहीं आई आपको? उनकी बच्ची की जान चली गई है, मर गई है वो। देखिए, आपके पास कोर्ट के बेल ऑर्डर्स हैं, तो मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन अब सच जानने के बाद जरा अपने जमीर से पूछिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि इस आदमी को रिहा कराना चाहिए? आप देखना माँ जी, हम आज भी विवेक जी को घर जरूर लेकर आएंगे। मतलब विवेक जी अभी भी जेल में? मेरा प्लान कामयाब हुआ? मैं जानती थी शिवानी, सच्चाई जानने के बाद तो विवेक जी का साथ कभी नहीं देगी। तेरी ये अच्छाई वाली आदत अब देख तेरा कितना बुरा करती है। अब
हेलो, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। देवी जी, फिर ले आए हमारे विवेक को। कटे है वो? हाँ? अरे उसको बोलो, हम लोगों का यकीन है उसके ऊपर। कटे काहे वाला था? देवी जी, हमारा विवेक नजर को नहीं आ रहा। कटे रह गया हमारा विवेक। बेबी जी, ते कुछ बोलते क्यों नहीं? ते थाने गए थे ना विवेक को छुड़ाने। चुप क्यों है बेबी जी? विवेक जी को जमानत देने से हमने इंस्पेक्टर को मना कर दिया। बेबी जी, सच सच बता बेबी जी, मारा विवेक कटे रह गया। हमें नहीं पता कि हम आपको सच कैसे बताएं मां, लेकिन विवेक जी इस वक्त वही है जहां उन्हें होना चाहिए। हवालात में उन पर लगाए गए सारे इल्जाम सच है माँ जी। उस मासूम बच्चे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ विवेक जी हैं। मारे विवेक को कुछ बोलने की? बेबी जी, मारा विवेक कभी किसी की जान को नहीं ले सकता। काश कि माँ जी आप जो भी कह रही हैं वो सच होता। हम खुद पूरे दिल से मानते थे कि विवेक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूरा यकीन था हमें माँ जी, लेकिन हमने सबूत देखा है। हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें विवेक जी नकली दवाइयां हॉस्पिटल में रख रहे हैं। युती काय बोले जा रहे हैं बेबी जी? हमारा भाई विवेक ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे सबूत तो झूठे भी हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, सारे सबूत झूठे हैं। बेबी जी थारा दिमाग खराब हो गया है। तू दुश्मन है मारे घर की और मारे घर की सारी खुशियों की। आप मुझे ऐसा मत कहिए। हम खुद गए थे पुलिस स्टेशन विवेक जी की जमानत करवाने के लिए। हम चाहते थे कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले, लेकिन जब हमने सबूत देखे, उस बच्ची की मां को रोते हुए देखा जिसकी मौत सिर्फ विवेक जी की वजह से हुई है, तो हम कैसे करवा सकते थे उनकी जमानत? हम नहीं करवा पाए। फिर कहना क्या चाहते हो बेबी जी? क्योंकि था को लगता है कि हमारा विवेक कसूरवार है, इसके वास्ते वो सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा कहीं? नहीं माँ जी,
पता नहीं बीबी जी आप ये सोच भी कैसे सकती है कि इस घर का कोई सदस्य ऐसी घटिया हरकत करेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, मुझे अपने परिवार पर पूरा भरोसा है। और इसीलिए मैंने और करण जी ने विवेक जी की जमानत के पेपर्स भी रेडी कर दिए। मैं विवेक जी को जेल से छुड़ा कर लाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहें।